सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। हेलो फ्रेंड्स सर, वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जो वैकेंसी आई है केमिस्ट ट्रेनी की और जनरल वर्कमैन ट्रेनी पेट्रोकेमिकल की, उनके बारे में। ये जो वैकेंसी है केमिस्ट ट्रेनी की, ये आई है 13,500 से 31,000 वाले ग्रेड में। 6 वैकेंसी हैं, इनमें एक है SC की, 3 है OBC की और 2 हैं सामान्य की। वहीं अगर हम बात करें जनरल वर्कमैन बी की यानी ट्रेनी पेट्रोकेमिकल की, तो इसकी वैकेंसी आई है 12, सैलरी होगी 11,500 से 20,000 वाले ग्रेड में। 12 वैकेंसी में से एक SC की है, 3 है OBC की, 1 है EWS की और 7 वैकेंसी है सामान्य की। ये वैकेंसी जो आई है, ये आई है कोची रिफाइनरी के लिए, लेकिन इनको BPCL अगर चाहे तो भारत के किसी भी प्लांट में ट्रांसफर कर सकती है, किसी भी लोकेशन में। तो ये जो वैकेंसी है ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी वाली है। फिलहाल आपकी पोस्टिंग कोची में होगी, बाद में आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। पे एंड बेनिफिट्स की बात करें तो 13,500 से 31,000 वाले ग्रेड में जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे और जो कैंडिडेट 11,500 से 20,000 वाले सेलेक्ट होंगे, उनको इसके अलावा जो भी अलाउंसेज हैं, यानी ये उनकी बेसिक सैलरी होगी, इसके अलावा TA, DA, HRA और जो भी अलाउंसेज हैं वो सब आपको मिलेंगे। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट काउंट की जाएगी 1 जुलाई को। मिनिमम है 18 साल और मैक्सिमम है 30 साल, यानी 1 जुलाई 2019 को आपकी एज 18 से लेकर 30 साल के बीच में होनी चाहिए। SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी और उन्हीं वैकेंसी के लिए दी जाएगी जो उनके लिए रिजर्व है। PH कैंडिडेट को 10 साल की छूट दी जाएगी। वहीं जो कैंडिडेट जम्मू कश्मीर में निवास कर चुके हैं 1980 से लेकर 89 तक, उनको भी 5 साल की छूट दी जाएगी। एक्सर्विसमैन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग छूट दी जाएगी। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो केमिस्ट ट्रेनिंग के लिए आपने MSc केमिस्ट्री कर रखी हो, प्रेफरली इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, कम से कम 60% मार्क के साथ फुल टाइम कोर्स आपका होना चाहिए और कम से कम 1 साल का अनुभव आपके पास हो, या फिर आपने 1 साल की अप्रेंटिसशिप कर रखी हो रिफाइनिंग में, पेट्रोलियम में, पावर ल्यूम में, पेट्रोकेमिकल्स में, फर्टिलाइजर में या फिर केमिकल इंडस्ट्री में किसी रेपुटेड संस्थान में। बात कर लेते हैं जनरल वर्कमैन बी ट्रेनी पेट्रोकेमिकल की। इसके लिए आपके पास फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में या फिर पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में AICTE अप्रूव्ड संस्थान से फुल टाइम 60% मार्क के साथ। साथ ही 1 साल का अनुभव आपके पास हो या फिर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी हो रिफाइनिंग, पेट्रोलियम, पावर ल्यूब, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में किसी रेपुटेड संस्थान में। और वहीं जो कैंडिडेट SC और PH है उनके लिए 50% पर भी उनको अलाउ कर दिया जाएगा दोनों वैकेंसी के लिए। जो भी आपकी एज है और क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस है वो 1 जुलाई 2019 तक ही आपके पास होना चाहिए। और एक्सपीरियंस के बारे में हम आपको बता दें कि रिलेटेड फील्ड में ही एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। जो अदर इंडस्ट्रीज हैं जैसे इंजीनियरिंग, रिसर्च, एजुकेशन फील्ड, कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन लैब, ट्रेडिंग, सर्विस एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट नहीं किया जाएगा। केमिस्ट ट्रेनिंग की पोजीशन के लिए जो कैंडिडेट MSc केमिस्ट्री के अलावा और कोई सब्जेक्ट अगर उनके पास है वो आवेदन के पात्र नहीं है। वहीं डिप्लोमा वाली वैकेंसी के लिए वो कैंडिडेट जो AMI हैं, BE हैं, BTEC हैं या फिर हायर क्वालिफिकेशन वाले हैं वो अलाउ नहीं है। हालांकि जो BSc वाले कैंडिडेट हैं, BA वाले कैंडिडेट हैं जो डिप्लोमा के बाद BSc BA कर रखी है वो आवेदन कर सकते हैं। साथ ही डिप्लोमा वाले वैकेंसी जो आई हैं उनके लिए वो कैंडिडेट जिन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर में, केमिकल प्लास्टिक एंड पॉलीमर में, रिफाइंड एंड पेट्रोकेमिकल में, केमिकल पल्प एंड पेपर में, केमिकल रबर एंड प्लास्टिक में, केमिकल ऑयल टेक्नोलॉजी में, केमिकल पॉलीमर टेक्नोलॉजी में या इससे मिलता है कोई डिप्लोमा कर रखा है वो आवेदन के पात्र नहीं है। तो जो क्वालिफिकेशन बताई है वही आपके पास होनी चाहिए, उसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन मान्य नहीं होगी। बात कर लें सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की। सिलेक्शन पहले होगा आपका रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और आपकी जो योग्यता है उसके बेस पर आपकी क्वालिफिकेशन को परखा जाएगा। रिटन टेस्ट जो होगा वो कोची में होगा और इसके बाद होगा आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट जो होगा वो उन कैंडिडेट का होगा जो रिटन क्वालिफाई कर जाएंगे और ये जो स्किल टेस्ट होगा ये होगा क्वालिफाइंग नेचर का, ये गुणों के बेसिस पर होगा। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो रिटन के मार्क्स के बेस पर ही बनेगी। और जब आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा तब होगा आपका मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट के बाद ही आपको फाइनली सिलेक्ट किया जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड्स में आपकी आंखों की जांच की जाएगी, जैसे आपको मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया तो नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, आंखों में भेंगापन तो नहीं है, रात्रि अंधता यानी नाइट ब्लाइंडनेस तो नहीं है, ग्लूकोमा तो नहीं है और कानों में कोई दिक्कत तो नहीं है। साथ ही कोई भी मेडिकल डिफेक्ट न हो मेजर जिससे आप नौकरी न कर सकें। अब बात कर लेते हैं आवेदन करने की। एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन, आप 22 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डब्ल्यू 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 डॉट
bharatpetroleum.com/careers पे जाके वहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इस भर्ती में कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, तो आपको कोई फी पे नहीं करनी है। 22 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं bharatpetroleum.com वेबसाइट से। साथ ही हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथियों, मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।